राजस्थान स्थापना दिवस पर 30 मार्च को मनाया जाता है। आपको बता दें 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का ये विलय होकर व्रतहर राजस्थान सर्ग बना था। उसी दिन को राजस्थान के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस पर प्रदेश के संभाग स्तर पर कई बड़े आयोजन भी होते हैं। राजपूताना यानी राजस्थान का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। यहाँ के वीरों में ही नहीं बल्कि वीरांगनाओं में भी वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। राजस्थान का इतिहास ऐसी वीरांगनाओं के बलिदान से भरा पड़ा है। यहाँ शौर्य और साहस ही नहीं बल्कि हमारी धरती के सपूतों ने हर क्षेत्र में कमाल दिखाकर देश दुनिया में राजस्थान के नाम को चांद तारों सा चमका दिया। राजस्थान की धरती पर रणबांकुरों ने जन्म लिया है। यहाँ वीरांगनाओं ने भी अपने त्याग और बलिदान से मातृभूमि को सींचा है। यहाँ धरती का वीर योद्धा कहे जाने वाले महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे सपूतों ने जन्म लिया है। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के 12 साल के पुत्र पृथ्वी ने तो हाथों से औरंगजेब के खूंखार भूखे जंगली शेर का जबड़ा फाड़ डाला था। राणा सांगा ने 100 से भी ज्यादा युद्ध लड़कर साहस का परिचय दिया था। पनाधाई के बलिदान के साथ पाली के ठाकुर मोहकम सिंह की रानी भागेली का भी बलिदान भी अमर है। ब्रिटिश शासन से आजाद हुए भारत में राजस्थान करीब 22 देशी रियासतों में बटा था, लेकिन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा कि करीब एक दशक की उठापटक के बाद 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई। इसके बाद इसका नया नाम संयुक्त राजस्थान संघ रखा गया, लेकिन 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। यही राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है। राजस्थान राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर 30 मार्च की शाम को जयपुर में राजस्थान दिवस समारोह के तहत कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में राज्य के 7 संभागों की 7 अलग अलग झांकियां निकाली जाती है। वहीं लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, पुलिस के जवान मोटरसाइकिलों पर साहसिक करतब, खेलकूद, लाइव कंसर्ट सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनटीवी न्यूज़।